गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन चैप्टर 8, हंसल एंड ग्रेटल। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फेरी टेल। लेट्स सी। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ वेरी पुअर वुड कटर लिव्ड इन अ टाइनी कॉटेज इन द फॉरेस्ट विद हिज टू चिल्ड्रेन, हंसल एंड ग्रेटल। हंसल एंड ग्रेटल हैड अ स्टेप मदर हु डिड नॉट लाइक देम। शी ऑलवेज टोल्ड हिम दैट टेक देम फार अवे इन टू द फॉरेस्ट बिकॉज दे हैव नॉट इनफ फूड टू ईट देम। Their father left them in the jungle and returned home. Hansel and Gretel wanted to go back home too. They looked for the breadcrumbs to find their way back, but the birds of the forest had eaten the breadcrumbs. They were truly lost. Hansel और Gretel जान समझ गए थे कि उनके father जो है उनको छोड़ने वाले हैं। वो अपने साथ ब्रेड लेके गए, उसके क्रम्स को उन्होंने रास्ते में बिखेर दिया जिससे वो उसको देख कर लौट सकें, लेकिन रास्ते में जो पक्षी वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन्होंने उन क्रम्स को खा लिया और सच में ही वो बच्चे फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गए। वो घर का रास्ता उनको नहीं मिला। आई एम फ्राइटेंड, सेड ग्रेटल। ग्रेटल बहुत डर रही थी। बट दे वॉक्ड एंड वॉक्ड टिल दे कम टू अ स्ट्रेंज कॉटेज इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में घूमते हुए वो लॉस्ट हो गए और धीरे धीरे चलते हुए एक कॉटेज के बाहर आकर रुके। कॉटेज कहाँ था? फॉरेस्ट के बिल्कुल मिडिल में था। दिस इज अ चॉकलेट, शाउटेड हंसल ब्रेकिंग ए पीस ऑफ द कॉटेज। कॉटेज जो था वो अमेजिंग था। वो जो कॉटेज था वो किसका बना हुआ था? चॉकलेट का कॉटेज बना हुआ था। उन बच्चों को बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा चॉकलेट का कॉटेज उनको मिल गया है। वो भूखे थे, उन्होंने उस चॉकलेट के पीसेस को खाना शुरू कर दिया। वी विल स्टे हेयर, सेड हंसल। उन्होंने सोचा कि वो दोनों वहाँ पर आराम से रहेंगे और अपना घर ढूंढने की कोशिश करेंगे। They were just about to try a piece of the biscuit door when it slowly opened. जो कोटेस था चॉकलेट का बना हुआ था और उसका दरवाजा था वो बिस्किट का बना हुआ था। जैसे उन्होंने बिस्किट के को तोड़ने की उसके पीस को निकाल कर खाने की कोशिश की तो डोर जो है वो ओपन हो गया और उसमें से कौन आया बाहर? एक ओल्ड वुमेन बाहर आई। जो कौन थी? जो एक विच थी। ठीक है, ये ओल्ड वुमेन क्या थी? ये एक विच थी। हंसल और ग्रेटल जो थे वो कभी नहीं जानते थे कि शुगर का कॉटेज जो है वो एक ओल्ड विच का है। ठीक है, विच जो थी वो उनमें से हंसल को खाना चाहती थी। उसने क्या सोचा कि ग्रेटल जो है वो घर का काम करेगी और हंसल को वो बहुत खिला पिला के मोटा ताजा करके फिर उसके बाद उसको खाएगी। देन व्हाट शी हैज डन, उसने एक प्रिजन में बंद कर दिया उसको। किसको? हंसल को बंद कर दिया और ग्रेटल से कहती थी कि वो उसको खाना खिलाए, उसको चिकन बोन दे। ठीक है, तो इस तरह से उसको एक पिंजरे के अंदर उसको बंद कर दिया। वो उसको बहुत खाना खिलाती थी विच और वेट कर रही थी कि जल्दी से ही वो हेल्दी हो जाए जिससे वो उसको पका के खा सके। विच जो है वो इंतजार करते करते थक गई तो उसने क्या सोचा एक दिन कि इसको मैं पका के खा लेती हूँ। तो उसने ओवन जो है उसको लाइटन किया, उसको जला दिया। अब ग्रेटल जो है वो उसने और हंसल ने क्या चालाकी की कि जब उसने विच ने उसको छूकर देखा तो उन्होंने जो चिकन बोन होता है उसको टच करवा दिया विच को, क्योंकि विच को दिखाई कम देता था तो उसको कम दिखने के कारण उसको टच करवा दिया, जिससे उसको लगा कि ये तो अभी भी बहुत ही थिन है, फिर भी मैं आज इसको पका के खा लेती हूँ। उसने ओवन को जलाया और ग्रेटल को क्या कहा कि आज हम रोस्ट करके इसको खाने वाले हैं। ठीक है, जब जैसे ही वो जो ओवन है वो अच्छा हॉट हो गया तो विच ने कहा ग्रेटल को कि अब इसको और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और इसको कर लेते हैं, ये यूजलेस है बिल्कुल। विच जो है वो शाउट करती है और जैसे ही वो ओवन को गर्म है ये चेक करने के लिए झुकती है तो ग्रेटल जो है वो पुश कर देती है उसको और ओवन का जो डोर है उसको शट कर देती है और विच क्या हो जाती है, इस तरह से खत्म हो जाती है, उस ओवन के अंदर जल के मर जाती है। देन ग्रेटल ओपन द केस एंड सेट हर ब्रदर फ्री। दे स्टेड इन द कॉटेज फॉर सम मोर डेज एंड एट द पीसेज ऑफ द चॉकलेट कॉटेज। वहां पर कुछ दिन और रुके और जो चॉकलेट कॉटेज था उसमें से चॉकलेट जो बची हुई थी उनको खाते चले गए। देन एक बड़ा सा बिग चॉकलेट एग उनको मिला उसके कबर्ड से, विच के कबर्ड से, और उस एग के अंदर बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स मिले। अब विच जो थी वो आशेत में बर्न हो चुकी थी। हंसल ने कहा कि अब हमें किसी, अब ये जो खजाना है, जो ये पैसा है, ये अब हमारा है, इसको हमसे कोई नहीं लेगा। वो लोग फॉरेस्ट से ढूंढते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं और लकीली उनको उनका घर मिल जाता है। उनके फादर जो है वो भी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए रोते हुए फॉरेस्ट में ही आ रहे होते हैं। उनको गिल्ट फील होता है
और वो बताते हैं उनको कि तुम्हारी जो स्टेप मदर है वो मर गई हैं, और उसको बहुत बुरा लगता है। अपने बच्चों को लेकर वो अपने घर आ जाता है। वो बच्चे जो हैं वो वुड कटर को हक करते हैं और प्रॉमिस करते हैं, उससे प्रॉमिस लेते हैं वुड कटर से कि वो अब दोबारा उनको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, हंसल जो है वो दिखाता है कि उनको बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, और वो तीनों वहाँ फॉरेस्ट में आराम से अपने कॉटेज में रहने लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द चैप्टर। डू ऑल द वर्क गिवन इन द PDF, ऑलवेज फिल ऑल द एक्सरसाइजेस इन द बुक एंड स्टार्ट टू लर्न द चैप्टर ऑल्सो, क्वेश्चन आंसर ऑल्सो।